बिहार के पटना से सटी दानापुर के एक गरीब अनाथ और साथ ही दिव्यांग बच्चे की किस्मत चमक उठी है। उस नवजात बच्चे को 3 साल पहले ठिठुरती ठंड में मां ने बीच सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अब वह बच्चा अमेरिका जाएगा। उसे अमेरिका के एक डॉक्टर दंपति ने गोद लिया है और उसे अमेरिका लेकर जाएंगे। गोद लेने वाले पिता कर्नल मिलर ने बताया, हमें इसकी बहुत खुशी है। मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हम इसको अच्छे से अच्छी चिकित्सा सुविधा देंगे। हम इसे हमारे अन्य बच्चों जैसे ही रखेंगे। दिसंबर 2019 की ठिठुरती ठंड में किसी माँ ने एक नवजात बच्चे को सड़क पर रोता बिलखता छोड़ दिया। उस बच्चे की जिंदगी और किस्मत में बहुत कुछ होना लिखा था। वो बच्चा आज 3 साल का हो गया है। अब वह अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में रहेगा। बच्चे का नाम अर्जित है और उसे सृजन विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के जरिए अब अमेरिकी माता पिता ने गोद ले लिया है। गोद लेने की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दानापुर के SDO प्रदीप कुमार ने अमेरिकी दंपति को बच्चा सौंप दिया। अमेरिका के वॉशिंगटन से बिहार आए डॉक्टर कर्नल रे मिलर और उनकी पत्नी कैथरीन सोलिवान ने कहा कि हमें खुशी महसूस हो रही है, हमने एक बच्चे को गोद लिया है। हमारे परिवार में पहले से 3 बच्चे हैं और ये हमारा 4th बच्चा होगा। It's been a process, but we're very, very happy to finally have our son, and it makes us very happy inside for that. You made it, you take it from India, so any purpose behind that, so adopt this child, because this child is something physically abundant. So I can't say much. Yeah. But I'm very happy to have him, and we want to give him the best of care that we can and get his needs met. Is America a new place for this child? Correct. Yeah. So how will you maintain all this good stuff for this children? We'll give him the same care that we will our other children. He's ours now, and we're very happy to finally have him in our care. How much time it will take? You applied for this children earlier? I really can't. It's in the documents. I really can't say. Yeah. This child is beautiful and we love him and we are very happy. We're very happy. Yes. You're taking it to America and what you will care for this child, because this child is seeing physically damaged. This child will receive the surgery he needs and he will have every opportunity we can possibly give him. For those people in India. I just think the child is perfect to me. ये लगभग 2 साल से प्रोसेस में है। फिर इनका कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर आया, फिर इनका बर्थ सर्टिफिकेट बना, पासपोर्ट के लिए अप्लाई हुआ है। हो सकता है 2-3 दिन में मिल जाएगा फिर इनका। ये जो बच्चा अरिजीत है, ये आपके NGO का बच्चा था? हाँ, ये अरिजीत लगभग 3 साल पहले 24/10/19 को विक्रम थाना जो सरवा पड़ता है वहाँ से मिला था। उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा हमारे संस्था में उचित देखभाल हेतु सौंपा गया। फिर इसका कारा गाइडलाइन 2022 के तहत जो भी नियम कानून है उसके अनुसार इसका प्रोसेस किया गया और आगे इसका पासपोर्ट मिल जाने के बाद ये लोग चले जा रहे हैं। अब ये बच्चा अमेरिका जा रहा है। हाँ, मतलब फिजिकली इनके पेरेंट्स जो है वो अब नए पेरेंट्स कहलाएंगे जो हाँ। अभी हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इसके पेरेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर हैं, वो अच्छे से केयर करेंगे और बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा। मतलब अमेरिका में सर्जरी की भी बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।